हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं तो आज भी लेके आई हूँ मैं आपके लिए बहुत सारे नए आइडियाज़ तो आज मैंने काफ़ी सारे अलग अलग आइडियाज़ को क्लब करके एक वीडियो बनाई है तो इसमें कुछ आइडियाज़ घर की डेकोरेशन से रिलेटेड है कुछ आपके स्टोरेज करने के लिए जैसे कपड़े वगैरह स्टोर करने के लिए शूज़ वगैरह स्टोर करने के लिए तो काफ़ी सारे आइडियाज इस तरीके से मैं मिक्सअप लेके आई हूँ एक इसमें एक और आइडिया है जो सोफे कवर की गद्दी होती है सोफे कवर की गद्दी को हम कैसे उसका कवर बना सकते हैं बहुत सारे मिक्सअप आइडियाज हैं तो कोई ना कोई आइडिया किसी ना किसी आपको जरूर पसंद आएगा तो चलिए बिना डिले के हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन से वाला आइडिया सबसे अच्छा लगा तो चलिए बिना डिले के हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं आइडिया नंबर वन से तो आइडिया नंबर वन भी आपको बहुत पसंद आने वाला है कपड़े का एक छोटे सा रेक्टेंगल पीस लिया है नीचे लाइनिंग बीच में राइस बैग सेवन पॉइंट फाइव इंच इंटू थर्टी इंच का मैंने ये पीस लिया है पिनअप कर लीजिए चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए तो देखिए सिंगल पीस रेडी हो गया ऊपर कपड़ा नीचे कपड़ा और बीच में प्लास्टिक वाली बोरी और उस पर सिलाई लगा ली अब आपको क्या करना है ज़िप लेनी है ज़िप की सीधी तरफ है अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको सिलाई लगा लेनी है सिलाई लगाने के बाद पलटते हुए टॉप स्टिच लगा लेना है इसे दूसरी तरफ को रखते हुए सिलाई लगानी है ज़िप को खोल लीजिए और यहाँ पे भी पलटते हुए टॉप स्टिच लगा लीजिए अब हमें क्या करना है अब आपको इसमें रनर को इंसर्ट करना है तो यहाँ से हम पहले रनर को इंसर्ट करेंगे दूसरी तरफ से निकाल दिया ज़िप हमारी क्लोज हो गई और दोबारा से हम इसमें रनर को इंसर्ट कर देंगे एक्स्ट्रा ज़िप को काट दिया इसे अंदर की तरफ को फोल्ड कर लीजिए उसके बाद आपको यहाँ से निशान लगाना है देखिए टू बाय वन फोर्थ इंच दो इंच से दो पॉइंट ज़्यादा फिर इसी निशान के ऊपर देखिए आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और दोनों तरफ आपको दोनों कॉर्नर पे सिलाई लगानी है सिलाई लगाने के बाद हमें चारों कॉर्नर्स पे वन बाई वन इंच का इसमें स्क्वायर बनाना है देखिए वन इंच आपको कहाँ से लेना है सिलाई छोड़ के ये देखिए सिलाई छोड़ के वन बाय वन इंच ऐसा ही आपको चारों कॉर्नर्स पर करना है उसके बाद चारों कॉर्नर पर जो हमने निशान लगाया है उसे उसी शेप में कट करके अलग कर लीजिए उसके बाद हमें इसका बेस बनाना है तो पहले हम साइड में यहाँ इसे दोनों तरफ से सिंपल पाइपिंग वाली पट्टी से फिनिश कर लेंगे तो दोनों तरफ सिंपल स्ट्रेट पट्टी से हम इसे फिनिश कर लेंगे उसके बाद आपको चारों कॉर्नर्स बनाने हैं चारों कॉर्नर्स एक एक करके पकड़ना है और उस पर आपको सिलाई लगा लेनी है इससे हमारा बेस बन जाएगा ऊपर और नीचे दोनों तरफ ये देखिए सिंपल पकड़ा और उस पर आपको सिलाई लगानी है चारों कॉर्नर्स पे चारों कॉर्नर पे सिलाई लगाने के बाद रफ है जिसको फिर से मैं सिंपल स्ट्रेट पट्टी से पाइपिंग वाली पट्टी से फिनिश कर लूँगी तो चारों तरफ के लिए चार पट्टियाँ चारों कॉर्नर्स हमारे फिनिश हो गए अब हम इसे सीधा कर लेते हैं और इसके लिए बेल्ट बनाते हैं तो बेल्ट मैं छोटी बना रही हूँ ट्वेल्व इंच इंटू थ्री इंच का कपड़ा लिया है आप चाहें तो लंबी अगर स्ट्रैप इसकी रखना चाहें तो स्ट्रैप की लंबाई अपने हिसाब से रख सकते हैं और यहाँ कॉर्नर में फोल्ड करते हुए रखते हुए आपको स्ट्रैप पे सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ तो देखिए मैंने स्ट्रैप को अटैच कर लिया तो ये मेरा वन लीटर की जो वो मिल्टन वाली बोतल होती है उसका कवर बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है इसी तरीके से आप थर्मस का कवर भी बना सकते हैं क्योंकि ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हमने इसे शेप दी है तो देखिए प्यारा सा कवर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है तो थर्मस का कवर भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं जो मिल्टन वाला होता है मैंने इसकी स्ट्रैप छोटी रखी है आप चाहें तो लंबी लटकाने वाली स्ट्रैप भी रख सकते हैं तो छोटा सा आइडिया आई होप आपको पसंद आया होगा तो चलिए बढ़ते हैं आइडिया नंबर टू की तरफ तो इसमें यूज़ करने वाली हूँ पुरानी सलवार बेल्ट अलग कर ली शलवार अलग कर ली उसके बाद बीच में से आसन में से अलग कर लिया तो दो इस तरीके के पीसेज आ गए दोनों पीसेस को जॉइन कर लेंगे तो एक बड़ा सा रेक्टेंगल पीस आ जाएगा हमारे पास इसी में से हमें एक पीस कट करना है तो देखिए उसी में से एक पीस कट कर लिया 24 इंच इंटू फोर्टी इंच और उसके नीचे मैंने प्लास्टिक वाली बोरी रख दी है तो इसे मैं बिना लाइनिंग के बनाने वाली हूँ अब हमें इसके चारों तरफ सिलाई लगा के सिंगल पीस रेडी कर लेना है ये देखिए तो नीचे प्लास्टिक वाली बोरी ऊपर जो हमने पुरानी सलवार में से कट किया था अब सेंटर पॉइंट ले लिया इसका उसके बाद आपको इसे इस तरीके से फ़ोल्ड करना है फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे इसके निशान लगाना है तो यहाँ पे आपको सिक्स इंच पे निशान लगाना है और उसे सीधा स्ट्रेट मिला लेना है नीचे तक पूरा लंबाई में अब आप इसे कट करके अलग कर लीजिए तो ये मैंने कट करके अलग कर लिया अब हमें ऊपर की तरफ से भी शेप देनी है यहाँ से तो यहाँ से आपको स्क्वेयर बनाना है सिक्स बाय सिक्स इंच का और उसे आपको कट कर लेना है तो आप जब इसे ओपन करेंगे तो इस तरीके से हमारी इसे शेप दिखाई देगी अब दोनों कॉर्नर पकड़ने हैं ये वाले और यहाँ पे आपको सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ तो देखिए दोनों तरफ सिलाई लग गई अब हमें इसमें ज़िप लगानी है तो इसे इस तरीके से फ्लैट बिछाते हुए जितना भी हमारा ये राउंड पे है पहले ये वाला निशान लगा लीजिए देखिए साइड से आपको फोल्ड करके यहाँ पे दो निशान लगाने हैं उसके बाद आपको ज़िप चाहिए यहाँ से ले कर यहाँ तक इस साइज़ की हमें ज़िप लगानी है थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए साइड से सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है देखिए यहाँ पर हाफ इंच ऊपर से छोड़ते हुए ज़िप को एक्स्ट्रा रखते हुए पूरा राउंड में आपको घुमाते हुए इस पर पूरे पे आपको सिलाई लगा लेनी है दूसरे कॉर्नर तक तो ये मैंने सिलाई लगा ली अब आपको इसे पलटना है और पलटते हुए टॉप स्टिच लगा लेना है तो पलटते हुए पूरा लंबाई में टॉप स्टिच लगा लीजिए अब आपको क्या करना है ये जो जिप है यहाँ ज़िप के साइड में देखिए मैंने निशान लगा लिया बिल्कुल सीध में दोनों तरफ निशान लगाने के बाद ज़िप को अलग कर लीजिए यहाँ से ज़िप का एक पीस हम अलग कर लेते हैं और इसे हम ऊपर जो हमने अभी फ्लैप पे निशान लगाया था ना वहाँ से हम शुरू करेंगे इसे लगाना ये देखिए ये जो हमने निशान लगाया था इस निशान से इसे मिलाते हुए ज़िप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है और इस तरीके से गोल घुमाते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है तो ये हमने सिलाई लगा ली बस अब आप इसे पलट लीजिए और पलटते हुए टॉप स्टिच लगा लीजिए टॉप स्टिच भी लग गया अब हम इसमें रनर को इंसर्ट कर लेते हैं तो एक रनर आपको यहाँ से इंसर्ट करना है और एक इस तरफ से तो दोनों तरफ से एक एक रनर को हम इंसर्ट कर लेंगे तो रनर हमने इंसर्ट कर लिया है अब इसे अंदर की तरफ को फोल्ड कर लीजिए और हम साइडों वाली सिलाई लगाएंगे तो देखिए इसे इस तरीके से अच्छे से फ्लैट बिछाना है बिल्कुल बराबर करते हुए जिप के साथ और पूरे पे आपको सिलाई लगानी है इस तरफ भी और सेम ऐसे ही इस तरफ भी दोनों तरफ तो हमने सिलाई को लगा लिया है अब आप इसे सीधा कर लीजिए बैग को बैक को सीधा कर लिया बेस इसका स्टिफ रहे कपड़ों की तय खराब ना हो नीचे की तरफ मैं कार्डबोर्ड का एक पीस रख रही हूँ और अब हम इसमें रख लेंगे सारी अपनी जो शर्ट्स वगैरह पेंट्स वगैरह हैं उन्हें तय लगा के तो मैंने ये शर्ट्स वगैरह रखने के लिए शर्ट ऑर्गेनाइज़र बनाया है आप चाहें तो इसमें साड़ी भी रख सकते हैं अच्छे से तय लगा के तो बहुत अच्छे साइज़ का बनता है और काफ़ी सारा देखिए हमारा इसमें कपड़े आ जाते हैं तो इस तरीके से इसका फाइनल लुक है अभी मैं नाप के आपको इसके इंची टेप से मेज़रमेंट बता दूँगी कि ये किस साइज़ का बना है तो बिल्कुल आराम से अच्छे से तय लगा के आप इसमें कपड़ों को स्टोर करके रख सकते हैं ये देखिए तो आपके कपड़ों की तय बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और बनाना भी कितना आसान है सिर्फ़ एक पुरानी सलवार चाहिए और एक प्लास्टिक की बोरी बिना लाइनिंग के बनाया है और कितना प्यारा सा बैग हमारा देखिए बन के रेडी हो चुका है तो नई ट्रिक के साथ बनाया है और बहुत ही ईजी तरीका है ज़िप लगाने का भी तो इसकी हाइट है अप्रॉक्सीमेट सिक्स इंच ऐसे भी अप्रॉक्सीमेट ट्वेल्व इंच और ऐसे भी काफ़ी अच्छी लंबाई का मैंने बनाया है ताकि पूरा इसमें अच्छे से हमारी शर्ट या साड़ी की तय आ जाए पूरी 15 इंच तो आई होप छोटा सा ये आपको पुरानी सलवार का आइडिया पसंद आया होगा पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा चलिए बढ़ते हैं आइडिया नंबर थ्री की तरफ ये आइडिया मैंने पहले भी शेयर किया आपके साथ लेकिन कई मेरे नए यूज़र्स हैं जिन्होंने नहीं देखा और बार बार मुझे पूछ रहे थे इसलिए मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ तो देखिए इसके लिए लिया है मैंने सलवार में से ही कट कर लिया एक रेक्टेंगल पीस बीच में प्लास्टिक वाली बोरी रख ली है और उसके बाद आपको इसे पिनअप करना है और चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है इसकी मेज़रमेंट है थर्टी पॉइंट फाइव इंच और ऐसे है ये ट्वेंटी फाइव इंच तो ये रेक्टेंगल पीस मैंने लिया है अब हम इस पर सिलाई लगा के देखी मैंने इसे रेडी कर लिया है अब हमें क्या करना है इसे शेप देनी है तो चारों कॉर्नर पे आपको निशान लगाना है फोर पॉइंट फाइव इंच इंटू फोर पॉइंट फाइव इंच का और उसे कट कर लेना है कट करने के बाद आपको इसे पकड़ना है और इस पर आपको सिलाई लगा लेनी है तो पहले दो कॉर्नर्स पर हमने देखिए इस पर सिलाई लगा ली सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना है सिंपल पाइपिंग वाली पट्टी से रफ है जिसको फिनिश कर लेना है और उसके बाद देखिए मैंने इस पर एक निशान लगाया है पूरा राउंड में ये निशान मैंने लगाया है वन इंच पे यहाँ पे हम जिप को इंसर्ट करेंगे पूरा लंबाई में तो यहाँ से लेके हम इसे पूरा पहले पट्टी को कट करके अलग कर लेते हैं तो इस तरीके से अगर आप ज़िप लगाएंगे तो ज़िप लगाना बहुत ईजी होता है उसके बाद जिप लेनी है जिप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है देखिए इस तरीके से और आपको इस पर पूरे पे सिलाई लगानी है पूरा लंबाई में हम इस पट्टी पे पूरे पे सिलाई लगा लेंगे एक तरफ से लेके दूसरी तरफ तक तो ये हमने सिलाई लगा ली है सिलाई लगाने के बाद इसे पलटना है देखिए इस तरीके से और पलटते हुए बिठाते हुए टॉप स्टिच लगा लेना है पूरा लंबाई में तो ये हमने सिलाई लगा ली पूरी लंबाई में एक पट्टी रेडी हो गई अब इसे पलट के रखना है आपको देखिए ये देखिए इस तरीके से इसे आपको इसके ऊपर पलट लेना है और गोल घुमाते हुए पूरे राउंड पे आपको इस पर सिलाई लगा लेनी है तो ये हमारी सिलाई लग गई अब पलटते हुए टॉप स्टिच लगा लेना है बैठने वाली सिलाई अब बाकी के दो कॉर्नर्स पकड़ने हैं और यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है और रफ है जिसको पाइपिंग से फिनिश कर लेना है अब हम इसके लिए फ्लैप बना लेते हैं तो दो मिनट इसे साइड पे रखते हैं फ्लैप बनाने के लिए देखिए कपड़ा लिया है बीच में राइस बैग को मैंने डाला हुआ है उस पर सिलाई लगाई हुई है ये मैंने लिया है ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव इंच इंटू फिफ्टीन पॉइंट फाइव इंच अब आपको करना क्या है इसे इसके साथ ज्वाइन करना है तो साइड वाले पोर्शन को आपको रेफरेंस लेना है ये जो हमारे साइड वाले कट हैं देखिए तो ये कॉर्नर को आपको रेफ़रेंस लेते हुए चलना है और ये वाला हमारा इस तरीके से रखना है और पहले दो जो सा आमने सामने वाली साइड है उन पे सिलाई लगानी है फिर जो बाकी की दो साइड्स हैं उस पे सिलाई लगानी है ये देखिए इस तरीके से लगाएंगे तो बहुत ईज़िली आपका ये फ्लैप अटैच हो जाएगा तो पहले यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए और फिर इसके सामने वाली तरफ़ सिलाई लगानी है यहाँ से लेके कर यहाँ तक ये जो जोड़ है नीचे वाला उसका रेफरेंस लेते हुए चलना है और उसकी सीध में लगाना है उसके बाद जो बाकी की दो साइड्स बच गई हैं उस पर भी आप सिलाई लगा लीजिए एक सिलाई यहाँ पे और एक सिलाई बिल्कुल इसके सामने वाली तरफ यहाँ पे तो दोनों सिलाइयाँ लगा ली रफ़ है जिसको सिंपल पाइपिंग वाली पट्टी से फिनिश कर लीजिए बैक को सीधा कर लीजिए हम इसके लिए हैंडल बनाएंगे तो एक पीस मैंने कार्डबोर्ड का काट के रखा है नीचे ताकि ये स्टिफ रहे उसके बाद हैंडल बनाना है नाइन इंच इंटू फोर इंच का पीस लिया है फोल्ड करते हुए हैंडल को रेडी कर लिया है सेंटर पॉइंट लेने के बाद दो दो इंच का निशान लगाते हुए हैंडल को अटैच कर लिया तो देखिए हैंडल को अटैच कर लिया और ये मेरा अंडर बेड अंडर अलमीरा ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल रेडी हो गया तो आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं बेड के अंदर रख ली डाल लीजिए बेड के नीचे जो जगह होती है अलमीरा के नीचे स्पेस है वहाँ पे रख सकते हैं और यहाँ पे देखिए मैंने कितने सारे इसमें शूज़ चप्पल सैंडल वगैरह ऑर्गेनाइज़ करके रख लिए तो कम से कम आठ जोड़ी मेरे इसमें चप्पल आ गए हैं तो कई बार कुछ शूज़ वगैरह इस तरीके से होते हैं कुछ जो हम कभी कभी डालते हैं उन्हें आप इस तरीके से देखिए कहीं पे भी स्टोर करके रख सकते हैं तो लिफाफों में बांधने की जरूरत नहीं है इस तरीके का आप ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं और बनाना भी बहुत आसान है सिर्फ एक आपको पुरानी सलवार चाहिए घर पर पड़ी चीज़ों से हमने बनाया है बस आपको एक जिप खरीदने की ज़रूरत है और ये स्लीक सा कहीं पर भी देखिए आप बेड के नीचे से रख लीजिए अलमीरा है अलमीरा के नीचे रख लीजिए कहीं भी साइड में रख के इस तरीके से आप अपना शूज वगैरह देखिए स्टोर कर सकते हैं तो जरूरी नहीं है शूज वगैरह के लिए यूज करना है आप इसमें कपड़े स्टोर करके रखना चाहें छोटे बच्चों के वो भी रख सकते हैं तो आई होप ये वाला आइडिया भी आपको पसंद आया होगा तो चलिए बढ़ते हैं आइडिया नंबर फोर की तरफ तो देखिए हमारे पास इस तरीके के सोफे की गद्दी होती है आज मैं उसी का आपको कवर बनाने सिखा रही हूँ किसी ने रिक्वेस्ट की थी तो देखिए सबसे पहले तो आपको गद्दी को रखना है इस तरीके से और आपको कपड़ा लेना है इस तरीके से एक्स्ट्रा होना चाहिए फाइव फाइव इंच जो भी आपकी गद्दी का नाप है उसके हिसाब से तो एक रेक्टेंगल पीस ले लिया और चारों तरफ से इस तरीके से एक्स्ट्रा होना चाहिए वो अब आपको क्या करना है जो सीधी तरफ है वो मैंने अंदर की तरफ़ रखी है उल्टी वाली तरफ़ मैंने बाहर की तरफ रखी है रॉन्ग साइड सीधी तरफ़ का कपड़ा अंदर की तरफ है देखिए इसे इस तरीके से पकड़ना है और सुई और धागे से हम इसे कच्चा कर लेंगे इससे हमें जो हमारे गद्दी का कॉर्नर है उसका रेफरेंस मिल जाएगा कि हमें कितनी रखनी है वो तो बहुत ईजी होता है देखिए इसे बनाना तो अगर आपके घर में भी पुराना सोफ़ा है पुराने सोफ़े की गद्दियाँ हैं जिसे आप नया बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से उसे कर सकते हैं देखिए तो पहले तो कपड़ा मैंने आपको बता दिया कितना एक्स्ट्रा लेना है फिर इस तरीके से आपको चारों कॉर्नर्स बनाने हैं पहला कॉर्नर बना लिया बाकी के कॉर्नर भी आपको इसी तरीके से बनाने देखिए अंदर गद्दी में आपको सिलना नहीं है सिर्फ बाहर बाहर के जो दो कपड़े हैं इन्हीं को सिलना है गद्दी के बराबर बस ध्यान रहे आपको गद्दी को स्टिच नहीं करना है साथ में तो चारों कॉर्नर्स देखिए मैंने स्टिच कर लिए इस तरीके से वन टू थ्री और फोर अब आपको क्या करना है अब गद्दी को इसको बाहर निकाल लीजिए और जो हमने निशान लगाया है उसी निशान के ऊपर आपको सिलाई लगानी है तो इस निशान को हम देखिए इस तरीके से सीधा मिला लेंगे जो हमने हाथ से कच्चा किया है और चारों कॉर्नर्स पे इसी तरीके से सीधा मिलाने के बाद हम इन पर सिलाई लगा लेंगे तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली अब आपको क्या करना है ये जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेते हैं जो हमारे कॉर्नर्स हैं कट करने से पहले एक बार इसे पहना के देख लीजिएगा कि इसका साइज़ बिल्कुल ठीक आ रहा है तो देखिए मैंने पहना लिया और बिल्कुल इसका देखिए बिल्कुल अच्छे से फिट आ रहा है तो अब हम इसके कॉर्नर्स कट कर सकते हैं तो इसे मैं बाहर निकाल लेती हूँ और जो एक्स्ट्रा कॉर्नर्स हमने ये बनाया एक्स्ट्रा कपड़ा है सिलाई के साथ मार्जिन छोड़ते हुए इसे कट कर लीजिए चारों तरफ से तो ये हमारा कट हो गया अब हमें इसमें इलास्टिक डालनी है तो चारों तरफ से हमें इसे फ़ोल्ड करना है सिंपल फोल्ड करते हुए देखिए इस तरीके से चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा जहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे चारों तरफ देखिए सिलाई लगा ली थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया यहाँ से हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे अब इलास्टिक कितनी लेनी है वो भी बता देती हूँ इसे फ्लैट बिछाना है देखिए इस तरीके से और इसका डबल छोड़ने के बाद आधा मतलब तीसरा हिस्सा लेना है आपको और उसके बाद इलास्टिक को इसमें इंसर्ट कर लेना है तो जैसे मैंने नापा वैसे ही नापते हुए इलास्टिक लेनी है और इसमें हम इंसर्ट कर लेंगे और यहाँ से हम इस पर इलास्टिक पे सिलाई लगा लेंगे अच्छे से और जो थोड़ा सा छोड़ा हुआ है उसे पे हम सिलाई लगा के उसे कवर कर लेंगे तो देखिए हमारा कवर बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है इलास्टिक वाला तो अब हम इसे मैं आपको इसमें गद्दी में डाल के दिखाती हूँ इसे तो बहुत ईजी है देखिए इसे बनाना तो आप भी अपने सोफ़े को एक नई लुक दे सकते हैं इस तरीके की गद्दी का कवर घर पर बना के ये देखिए तो बिल्कुल फिटिंग के साथ बिल्कुल रेडी हो गई है और आप इसे किसी भी नाप का बना सकते हैं जैसे मैंने तरीक़ा बनाया है अगर उसे फॉलो करेंगे तो आप किसी भी साइज़ की देखिए घर पे इस तरीके से बना सकते हैं तो आई होप आपको ये वाला आइडिया भी पसंद आया होगा तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ आइडिया नंबर फाइव की तरफ ये भी छोटा सा आइडिया लेकिन आपके बहुत काम आएगा तो 5.5 इंच इंटू नाइन इंच का इस तरीके से पेपर लिया उसके बाद सेंटर मार्क करना है और इस तरीके से ट्राइंगल शेप में उसे कट कर लेना है उसके बाद इस ट्राइंगल को कपड़े पे रखते हुए देखिए इस तरीके से ट्रेस करते हुए आपको कट कर लेना है तो ये पीसेज मैं कट कर लूँगी तो कोई भी बचा हुआ कपड़े के पीसीज हो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं तो ये मैंने पीसेस कट कर लिए अब इन्हें आपस में आपको जॉइन करना है तो देखिए हमारी फ्लाट शेप बन जाएगी एक के ऊपर एक रखते हुए इस तरीके से देखिए हम ज्वाइन कर लेंगे तो देखिए पहले तीन तरफ सिलाई लगा ली तो ये तीन रेडी हो गए उसके बाद अब इन्हें आपस में ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए उसके बाद इसे ऊपर रखते हुए देखिए यहाँ पे रखना है यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए और उसके बाद इसे फ़ोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए तो देखिए हमारा फ्लार शेप में रेडी हो गया अब हमें आगे क्या करना है सेम जो हमारे पास ड्राफ्ट था उसी में से मैंने एक और पीस रेडी कर लिया है एक फ्रंट के लिए एक बॉटम के लिए उसके बाद सेम जो हमारे पास था उसमें से मैंने और ट्रायंगल्स कट कर लिए हैं ये मैंने प्लेन पीस के करे हैं और ये मैंने सेम उसी में से कट करे हैं जो हमारा पहले वाला ड्राफ्ट था इसे हमें इन इस तरीके से जॉइन करना है तो साइज सारे ट्रै ये जो मैंने डायमंड बनाए हैं सारे डायमंड का सेम है सिर्फ जॉइन करने का तरीका अलग है देखिए जो ये प्लेन वाला है वो हमें इस तरीके से जॉइन करने हैं सारे एक एक पीस ऊपर रखते रहना है और इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है तो इन सारे पीसीस को हम इसी तरीके से जॉइन कर लेंगे उसके बाद ये वाला पीस लेना है और इसे हमें इसके साथ जॉइन करना है देखिए ऐसे अब इस पर सिलाई भी बता देती हूँ कैसे लगानी है यहाँ से कॉर्नर से एक कॉर्नर से इसे शुरू करेंगे और पूरे राउंड पे हम सिलाई लगा लेंगे तो एक कॉर्नर से सिलाई लगाना शुरू कीजिए और इसे पलटते हुए दूसरी तरफ सिलाई लगा लीजिए तो बहुत ही प्यारा हमारा इसका डिज़ाइन बनता है बस आपको इसे पलटते रहना है और इस पे आपको सिलाई लगाते रहना है एक तरफ से थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा जहाँ से हम इसे फिल करेंगे तो देखिए सब पे सिलाई लगा ली थोड़ा सा छोड़ दिया वहाँ से मैंने इसे सीधा कर लिया तो अब मैं इसमें फ़िल करने वाली हूँ देखिए इस तरीके से मेरे पास पुराना सॉफ्ट टॉय पड़ा था उसमें इस तरीके से प्लास्टिक जैसा इसमें डाला हुआ है तो इससे मैं पूरा इसे अच्छे से फ़िल करने वाली हूँ तो आपके पास कॉटन है पुरानी कतरन है कुछ भी है वो आप इसमें इसे इस तरीके से फ़िल कर सकते हैं तो देखिए मैंने अच्छे से फिल कर दिया क्योंकि सॉफ़्ट टॉय वॉशेबल होते हैं तो आप इसे जैसे सॉफ्ट टॉय वॉश करते हैं वैसे ही इसे भी वॉश कर सकते हैं और जो थोड़ा सा ओपन था उसे हाथ से सुई और धागे से मैंने स्टिच कर लिया तो कितना प्यारा सा देखिए स्टार शेप में हमारा पिल्लो कवर बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है अब यहाँ बीच में मैं लगा रही हूँ इस तरीके से बटन ये भी मैंने घर पे ही कपड़े से बनाया देखिए कैसे बनाना है बटन लेना है उसके ऊपर थोड़ी सी कॉटन रखनी है फिर उसके बाद कपड़ा रखना है ये देखिए और उसके बाद सुई और धागे से हम इसे अच्छे से सिल लेंगे तो ये हमारा बटन देखिए बन के रेडी हो जाता है तो बटन भी आप घर पे ही बना सकते हैं और ये वॉशेबल है जैसे सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह वॉश करते हैं वैसे हम इसे वॉश कर सकते हैं तो वेस्ट कतरनों का देखिए बच्चे कुचे का कितना प्यारा सा हमारा ये पिलो कवर बन के रेडी हो चुका है तो मार्केट में अगर इस तरीके के पिलो लेने जाते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं आप घर पे ही देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट इन्हें बना सकते हैं और अपने घर को सजा सकते हैं तो आई होप आपको ये वाला आइडिया भी पसंद आया होगा बनाने में आसान देखिए कितना प्यारा इसका डिज़ाइन लग रहा है तो ये थे कुछ छोटे छोटे आइडियाज़ जो मैंने आपके साथ शेयर किए प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कौन से वाला आइडिया अच्छा लगा जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ थैंक यू